हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इस देश की प्यारी कोकिला, जो अब हमारे साथ नहीं रही, वो है लता मंगेशकर। वो 92 साल की थी, जिसको सब स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनको चाहने वाले उनको लता दी कहते थे। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर शहर में, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। लता मंगेशकर जी केवल 13 वर्ष की थी जब उन्होंने मराठी और हिंदी गाने शुरू करे, एक प्लेबैक सिंगर की तरह। तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1947 में आपकी सेवा में पहली फिल्म उन्होंने महल फिल्म में भी उन्होंने गाने गाए, जिसमें उन्हें एक बहुत बड़ी पहचान मिली। लता जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गाने हर भाषा में, कितनी भाषाओं में गाए उन्होंने, 30,000 गाने से भी अधिक उन्होंने गाने गाए। उसके बाद तो उनके अवार्ड और पुरस्कारों की झड़ी लगी। उनको फिल्म फेयर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार उनको सन 2001 में भारत रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर आज हमारे साथ नहीं है, पर उनके गानों की गूंज जो हमें हमेशा सुनाई देती रह जाएगी, उनके वो गीत हमें हमेशा याद दिलाएंगे। उनके जो फैन हैं वो याद करते हैं, शिवाजी पार्क में लता जी का दह संस्कार हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और सभी देश के प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क पहुंचे और लता जी को श्रद्धांजलि दी। लता जी को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। लता जी के गीत हमेशा हमारे साथ गूंजते रहेंगे, मेरा साया साथ। आज वो हमारे साथ नहीं है, पर उनके गीत हमारे साथ, उनकी याद बनकर हमेशा गूंजते रहेंगे। वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। थैंक यू जी आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ने का और लता जी को एक ऐसी प्यारी श्रद्धांजलि देने के लिए। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक छोटी सी श्रद्धांजलि लता जी के लिए, उनके गीत हमारी यादों में एक पूंजी बनकर रहेगी। थैंक यू।